हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे बार बेंडिंग फॉर्मूला और बेंड डिटेक्शन। जो भी हम साइड पे स्ट्रक्चर स्टील जो बिछाते हैं, बीम स्टील स्लैब में, कॉलम में, तो उसमें किस तरह से पेंटअप दिया जाता है, उसके जो फॉर्मूले, जो उसकी जो कटिंग लेंथ निकालनी होती है उसके लिए जो फॉर्मूलास है उसके बारे में, और जो बेंटअप आता है कितनी डिग्री पे, तो उसके अंदर कितना डिडक्शन होगा, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहले लेते हैं हुक। हुक के बारे में जानते हैं। ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये आपने देखा होगा कहीं पे हुक लगाते हैं, कॉलम में ज़्यादा स्टीरअप्स होती है तो उसमें हुक भी दिए जाते हैं। तो ये जो है वो किस तरह से, उसको इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है वो पहले मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए, ये जो टोटल हाइट हुई है यहाँ से यहाँ तक की, ये अपनी होती है 5D, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ होती है ये होती है हमारी 4D, ठीक है। यानी ये टोटल हुआ हमारा 9D, ये हुआ 9D। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो किस तरह से होगा वो भी बता देता हूँ। ये अपनी हुई लेंथ, ठीक है, ये लेंथ हुई। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है L प्लस 90 प्लस 90, ठीक है, दोनों साइड है। तो इस तरह से इसकी जो लेंथ है ये फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। ये तो हुआ हुक के बारे में, ठीक है। दूसरा है बेंट अप एट वन एंड, तो उसका जो फिगर होगा वो किस तरह से होगा। फोर्टी फाइव डिग्री का बेंड है, ये डी, आप डी मानिए या डेप्थ या हाइट एच, कुछ भी इसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर जो, ये तो मैं आपको पहले ऊपर हुक में बता दिया, सेम उसी तरह यहाँ पे भी वही होगा, ये होगा हमारा 90, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो किस तरह से बनेगा, L इज इक्वल टू ये टोटल लेंथ हमारी यहाँ तक, सॉरी ये हमारी लेंथ हो गई। इसका जो फॉर्मूला है वो L प्लस 18D, टू टाइम्स अपना हो गया 90, ये 90। ऊपर में हुक में भी उसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा अच्छा डिटेल में दिखाया था, इसमें वो आप समझ लीजिए। दोनों साइड है यानी 18D हो गया प्लस 0.42D, ये ठीक है। ये जो डी है, डी लिखिए या एच लिखिए, आप जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हुआ वो ये हुआ, क्या है ये, बेंट अप एट वन एंड, ठीक है, इसके लिए ये है। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट जो है वो डबल बेंट अप वाला है, तो उसमें किस तरह से होगा,
पहले मैं उसका फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। फील्ड पर आप जॉब करते हो, काम करते हो, तो इसमें कुछ इस तरह से शेप आते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से उसकी लेंथ निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये जो बेंट अप है ये हमारा 45 डिग्री दोनों साइड। ये सेम वही 9D और ये 9D यानी 18D हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, L इज इक्वल टू लेंथ प्लस 18D प्लस 2 × 0.42D। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। अगला हमारा है स्टीरअप्स के लिए, कॉलम में जो भी स्टीरअप्स आती है उसके लिए। ये ज़्यादा फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स, ये 4-5 है जो ज़्यादा करके यूज़ होता है फील्ड पे, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो आपको दूसरे किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए अगर आपके पास रिंग है, स्टीरअप है, ठीक है, तो इसमें ये L1 साइड और ये L2 साइड, यानी सपोज़ ये है 600 mm, ये 300 mm। ठीक है, इस तरह से कुछ डायमेंशन दिया होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो किस तरह से बनेगा, L इज इक्वल टू इंटू L1 प्लस L2 प्लस 2 × 12D। ठीक है, इस तरह से कुछ फॉर्मूला बनेगा। L1 यानी ये एक साइड हो गई, L2 यानी ये एक साइड हो गई। ठीक है, और ये जो 12D है, ये जो हुक आने वाला है हमारा, तो ये आएगा उसके लिए है। ठीक है, डी यानी डाया ऑफ बार, जो भी हमारा 8 mm, 10 mm या 12 mm जो भी आता होगा उसके हिसाब से आप उसको लीजिए। ठीक है, ये थे हमारे कुछ 4-5 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 फॉर्मूलाज थे। नेक्स्ट है बैंड डिटेक्शन। बैंड डिटेक्शन किस तरह से किया जाता है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। बैंड डिडक्शन जो है, मान लीजिए 45 डिग्री, ये हमारा हो गया 45 डिग्री। इस तरह से बेंट अप अगर आता हो तो उसके लिए हमें कितना डिडक्शन देना चाहिए। ठीक है, 1D। नाइन्टी डिग्री का बेंट अप अगर हमारा आता हो
टू इन टू डी, यानी मान लीजिए कि आपका कुछ 8 mm सरिया है, ठीक है, 8 × 2 इज इक्वल टू 16, तो 16 mm हमें वो टोटल लेंथ में से वो माइनस करना पड़ेगा, जो भी इसकी लेंथ निकलेगी उसके अंदर से हमें वो माइनस करना पड़ेगा। अगला है 135 डिग्री, अगर 135 डिग्री का बैंड अगर आ रहा है तो उसके लिए हमें 3 × d, ठीक है, इतना बेंट अप उसके अंदर बैंड डिलेक्शन देना होगा, जो भी आपका डाया आता होगा उससे मल्टीप्लाइड बाई 3। आखिरी 180 डिग्री वाला, वन एटी डिग्री का अगर बैंड आ रहा है तो उसके अंदर 4d। इस तरह से ये डिडक्शन दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था बार बेंडिंग फॉर्मूलाज के कुछ एग्जांपल, और जो डिडक्शन देते हैं वो कितना देना चाहिए, कितना कितनी डिग्री बैंड है, बेंट अप आ रहा है तो कितना उसका बैंड डिडक्शन निकलता है, ये इसकी इसके ऊपर से हम देख सकते हैं। अगला वीडियो हमारा रहेगा एक इसके ही रिलेटेड एग्जांपल लेंगे हम, उसमें से अगर उसके अंदर कटिंग लेंथ निकालनी है किसी भी बार की, बीम में अगर कोई बार आ रहा है बेंट अप के साथ में, तो उसके किस तरह से निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग, और हंच बार की लेंथ किस तरह से निकाली जाती है, ठीक है। तो अगला वीडियो हम उस पर बनाने वाले हैं। तो ये था, आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद।